हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी वही जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो कंटेंट निर्माता और यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसका शीर्षक है द डिक्टेटर। ध्रुव राठी पूछते हैं कि क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो मुख्य रूप से किसान आंदोलन और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के हवाले से बताते हुए भारत में तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ा है। इस लेख को लिखे जाने तक इस वीडियो में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके थे। यह वीडियो भारत को एक पार्टी एक राष्ट्र की ओर बढ़ता देश बताता है जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में है, विधायकों की खरीद बिक्री हो रही है, गवर्नर राज में मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। इन सब और ऐसे ही अन्य बातों के आधार पर कहा गया है नरेंद्र मोदी को शासन में भारत तानाशाही की ओर बढ़ा रहा है। ये सब हमारे ध्रुव राठी ने बोला है। मैं इस लेख में यह तर्क प्रस्तुत करूँगा कि अपने दोनों शासनकाल में नरेंद्र मोदी मनमानी करने की जगह बेहद संभल कर चल रहे हैं और अक्सर आम सहमति को बनने में के इंतजार में वो अपने बड़े फैसलों को स्थगित कर देते हैं। इस मामले में वो रूस के तानाशाह व्लादिमीर पुतिन या दिवंगत इंदिरा गांधी की निर्कुशता से अलग है। मैं नरेंद्र मोदी शासनकाल के कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जब उन्होंने आम सहमति बनने की कोशिश सफल न होने पर अपने एजेंटों को स्थगित कर दिया था, कदम वापस खींच लिया था। ऐसा तब हुआ जबकि उन्होंने दोनों बार लोकसभा चुनाव खास बहुमत से जीता और पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व का कोई चुनौती नहीं है, यानी वो मनमानी करने के लिए तकनीकी तौर पर जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल सक्षम है। आप यह कह सकते हैं कि भारत में किसी भी नेता को ऐसा ही होना चाहिए जो अधिकतम सहमति बनाकर चले। आप ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी टोल मोल करने वाले नेता हैं जो अक्सर फैसला लेने से कतर जाते हैं। ये रही कुछ मिसालें उनके। पहला, न्यायिक सुधार का अधूरा सपना और कोलिजियम सिस्टम का निरंतरता। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने न्याय प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने का वादा किया था। न्यायिक नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में यह बात कितनी ऊपर थी इसी से समझा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस पर काम शुरू किया और संसद के दोनों सदनों में लगभग अहम सहमति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 पारित कराया और 20 राज्यों के विधानसभाओं में इसका अनुमोदन भी हासिल किया। पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस कानून को निरस्त कर दिया और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी इस दिशा में कोई पहल नहीं की, ना ही न्यायपालिका की इस आदेश का बेअसर कराने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया। भारत में जनता का इच्छा सर्वप्रिय है और यह इच्छा संसद और विधानसभा के जरिए अभिव्यक्त होती है। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं की सहमति से बना कानून न्यायपालिका निरस्त कर देती है और जज अपनी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में बनाए रखता है। कोई तानाशाह ऐसी स्थिति में जो कुछ करता है या कर सकता है, ऐसे कुछ भी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कोर्ट के आदेश को कैसे धज्जियाँ उड़ाई थी वह ताज़ा इतिहास है, लेकिन मोदी ने शक्तियों का विभाजन के संवैधानिक सिद्धांतों का आदर किया। दूसरा, किसान कानून बने पर लागू नहीं किया। 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के अपने वादों के मुताबिक 3 कृषि कानूनी संसद में पास किए। कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन या सरलीकरण या अधिनियम कृषि या सशक्ति या संरक्षण कीमित आश्वासन और कृषि से ऊपर करार अधिनियम और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के जरिए कृषि क्षेत्र की जड़ता को दूर करने का इरादा था। इसके जरिए किसानों को APMC सिस्टम के बाहर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र करने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इजाज़त देने का मकसद था, लेकिन बड़े किसानों खासकर पंजाब और हरियाणा के MSP निर्भर किसानों को लगा था। MSP मीडिया को सिस्टम टूटा तो देर सवेर MSP भी जाएगा और इनके इससे मिलने वाले फायदे भी खत्म हो जाएंगे। इस आधार पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और ट्रैक्टर लाकर दिल्ली आने के 3 प्रमुख रास्तों को जाम कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके साथ कई दौर बातचीत भी की पर आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार ही नहीं थे। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने किसान कानून को अमल रोक दिया और इस तरह से खेती में सुधार का अपना एजेंडा नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। क्या यह तानाशाह के काम करने का तरीका है? बिल्कुल नहीं। जो ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है। हमारा देश तानाशाह के रूप में नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री अच्छे चीज से काम कर रहे हैं। तीसरा, जमीन अधिग्रहण में सुधार का लगा ग्रहण।
अपने कार्यकाल के शुरुआत दिनों में नरेंद्र मोदी ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने का कोशिश की। इस क्रम में सरकार ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनर्स्थापना का उचित मुआवजा पारदर्शिता का दर संशोधन बिल 2015 पेश किया। इस बिल का मकसद 2013 के भूमि अधिग्रहण करने की कमियों को दूर करना था, क्योंकि 2013 के कानून ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण को काफ़ी जटिल बना दिया था। खासकर 70-80% आबादी की सहमति वाली धारा से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन की विधि भी एक प्रमुख अड़चन थी, जिसे नए बिल से दूर किया गया था। इस बिल को लेकर विरोध बढ़ गया और विपक्ष और सिविल सोसाइटी के संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आखिरकार सरकार ने 9 सुधारों के साथ इस बिल को पास कराया। नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, पर आम सहमति के लिए उन्होंने अपने ही कानून को कमजोर कर दिया। चौथा, नागरिकता संशोधन बिल CAA कानून बना पर लागू पर लगा ना हो सका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 जनवरी 2014 को वहां से भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार ने CAA 2019 कानून पास किया। इस बजट में प्रकाशित भी कर दिया गया। इसके सबसे बड़ा लाभार्थी बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थी होते, जिनकी संख्या 1-2 करोड़ के बीच हो सकती थी। इस कानून के बनने से पहले इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ और फिर से विवाद ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने बने हुए कानून को लागू नहीं किया। अब तक संबंधित नियम नोटिफाई नहीं किया गया और इस तरह नए कानून को एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकी। आम सहमति न होने पर नरेंद्र मोदी इस तरह के कानून को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसे तानाशाही प्रवृत्ति तो नहीं कहा जा सकता है।